टैक्सी वाला जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी जिंदाबाद, जोड़ो नाता जोड़ो, राष्ट्र धर्म से नाता जोड़ो, राष्ट्र धर्म से नाता जोड़ो, भारत माता की, भारत माता की, बंदे दूर सारे भूखे हैं, व्यापारी सारे भूखे हैं, बाहर आओ बाहर आओ, मोदी जी बाहर आओ। लोगों का लोन माफ नहीं होता है, तो अभी तो पुलिस प्रशासन ने हमको बोला था, पुलिस प्रशासन ने लगातार आज 7 दिन से अनुग्रह कर रही थी कि कोरोना कोविड चल रहा है, आप ज़्यादा लोगों को मत लाइए, इसीलिए हमने सारे लोगों को मना किया है। अगर ऑटो टैक्सी वाले का 15 दिन के अंदर इन भाइयों का लोन माफ नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में हम काला दिवस मनाएंगे, पूरे प्रदेश में हम काला दिवस मनाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में काला दिवस मनाएंगे। जब तक इन लोगों का लोन माफ नहीं हो जाएगा तब तक राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पक्ष गरीबों के लिए, ऑटो टैक्सी वालों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आज मैं इन लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा, कौन करेगा इनकी हक की बात, क्योंकि बाकी के पक्ष करेंगे नहीं। मैं आरोप लगाता हूं सभी पक्षों पर, बाकी के पक्ष इसलिए नहीं करेंगे कि जितनी प्राइवेट बैंकें हैं ये सब इन्हीं पार्टियों की है, ये सारी इन्हीं पार्टियों की, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं यहां पर प्राइवेट बैंक चलाती हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर इसकी CBCID महाराष्ट्र से जांच करा लीजिए। मैं तो बोलता हूं नहीं, CBI से कराते हैं, हमारी महाराष्ट्र की जो CBCID है उससे आप जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी बैंकें किसकी हैं, ये सारी बैंक इन्हीं पार्टियों की हैं, यही गरीब ऑटो टैक्सी वालों का शोषण करते हैं। अब देखिए, हर आप हर चौराहे पर एक बोर्ड पाओगे, हर चौराहे पर आप एक बोर्ड पाओगे, उसमें सारे पक्षों का लगा होता है, इन लोगों से चंदा लिया जाता है। गरीब ऑटो टैक्सी वालों से क्यों चंदा लिया जाता है, ये बेचारे कहाँ से चंदा देंगे। अब देखिए दूसरी चीज, लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार SPG के LPG के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल CNG के दाम बढ़ रहे हैं, ये लोग कैसे अपना रोजगार चलाएंगे बताइए, कहां से पैसे देंगे। ये हमारी यूनियन है सुषमत वादुक सेना, उसमें हमारे बहुत बच्चे काम करते, रिक्शा चलाते हैं, हमारे कुछ बच्चे ऐसे जो लॉकडाउन की वजह से धंधा पानी नहीं कर पाए तो रिक्शा वाले उनकी, बैंक वाले उनकी रिक्शा ले जाते और उनको बोलते अगर तुमने रिक्शा नहीं छुड़ाई तो 300 रुपया पर डे तुमको गोदाम का भाड़ा देना पड़ेगा। अब वो धंधा करेगा कि भाड़ा देगा, और हम लोग पेनल्टी क्यों नहीं भर रहे हम लोग बैंक का लोन, क्योंकि हमारा धंधा नहीं है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं। वो लोग एक ही बात बोलते कि नहीं लोन भरो, मुझे बैंक से फ़ोन आता है क्यों तुमने लोन नहीं भरा, अरे लोन तो मैंने भरा, इतना है कि 7,500 भरने का था 6,000 भरा, 6,000 में तुमने तुम्हारा ब्याज तो ले लिया बराबर, उसमें तो कम नहीं किया, मेरे मुद्दल में तो कम किया ना, मेरा मुद्दल कम जमा हुआ, हमारा 2,50,000 रुपया लोन किया गया, कितना 2,50,000, एक रिक्शा की कीमत थी उस वक्त 2017 में 1,80,000, 1,60,000 पकड़ो। महाराष्ट्र सरकार ने 1,500 रुपया बोला है कि हम रिक्शे वालों को देंगे, आप एक बात बताइए रिक्शे वालों के कोई स्कूल की फीस 1,500 महीना होती है क्या, नहीं, आज कितनी होती है स्कूल की फीस आप ही बताइए, ये ऐसा कौन सा समाज का आईना दिखा रहे हैं आज, यहाँ महाराष्ट्र की सरकार क्या आईना दिखा रही है, आज 1,500 आज स्कूल के उनके बच्चों की फीस नहीं होती है, अब 1,500 आज 1,500 में कितना किसको, किसी को मिला नहीं है, हाथ उठाओ 1,500 किसको, अभी आप बताइए स्कूल की फीस नहीं होती तो क्या करेंगे हम लोग।